कुर्बानी है ये कौन करेगा ये कुर्बानी? तो जैसे कि अभी आपने सुना कि हर गैर हाजी पर ये कुर्बानी ताकीदी मुस्तहब है, बहुत ज्यादा ताकीद है कि जो गैर हाजी हो उसके लिए मुस्तहब है, ताकीदी मुस्तहब है कि कुर्बान जानवर कुर्बान करे। कोई भी जो घर का सरबरा है वो अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर को कुर्बान करे, यानी एक फैमिली के लिए एक जानवर काफी हो सकता, और कोई अलग अलग लोग करना चाहें, घर में बहुत सारे साहिब इस्तात लोग हैं, बेटे भी कमा रहे हैं, बेटियां कमा रही हैं, सब चाहें अलग अलग भी अपने लिए कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। और कुर्बानी में शराकत भी जायज है, कुर्बानी में शराकत जायज है। खास तौर पर दो खसूसी मौके हैं जिसमें कुर्बानी में शराकत की खसूसियत है। एक तो वो है कि जब कुर्बानी के लिए पैसे हों मगर जानवरों की किल्लत हो, जानवर मसलन दस्तियाब ना हो, क्या जानवर मिल ना रहे हों, तो फिर मुस्तहब है कि इसकी कीमत सदका की जाए। अगर जानवर यानी बहुत सारे देखिए मगरबी ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर उस इस तरह से जानवर दस्तियाब नहीं होते, या कुछ हकूमती कवानीन ऐसे आड़े आ जाते हैं कि वो कुर्बानी नहीं कर सकते, बहुत से ऐसी इस तरह की चीजें, तो फिर वो एक ऑप्शन उनके पास ये हो सकता है कि कोई और अगर तरीका नहीं है जानवर की कुर्बानी का तो वो कुर्बानी के पैसे सदका कर दें, ये उनके पास एक दूसरा हल है। और कितना सदका करें कि काफी हो जाए, क्योंकि आपको पता ही कि यहां पर 8-10 हजार से लेकर और 8 लाख, 10 लाख और 20 लाख तक के जानवर होते हैं, कितने पैसे सदका करें वो अफराद के जिनके पास जानवर दस्तियाब नहीं, कि वो पैसे मौजूद हैं लेकिन जानवर नहीं है, या कुछ ऐसे कानून आड़े आ गए हैं कि जिसकी वजह से कुर्बानी मुमकिन नहीं हो पा रही, तो वो कम से कम रकम जो जानवर की मार्केट में है उस पर इक्तफा कर सकते हैं। मसलन अगर सबसे कम 8 हजार का मसलन बकरा है, लेकिन 8 हजार में तो अक्सर लोग कहते हैं कि स्टिकर बकरे का आ सकता है, सिर्फ खाली बकरा तो आना मुश्किल है, तो उस पर इक्तफा किया जाए, कम से कम रकम पर इक्तफा किया जा सकता है और इस सवाब को हासिल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर ये दिमाग में रहे कि अगर जानवर दस्तियाब हो और पैसे भी हों, अगर जानवर दस्तियाब है और पैसे भी हैं हमारे पास, तो फिर उसके बावजूद भी हम कुर्बानी करने के बजाय उसके पैसे अगर सदका कर दें, जैसे कि आजकल अक्सर लोग जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो अपनी बहुत सारे चीजें लेकर आते हैं जिसपे आगे चलकर हम गुफ्तगू करेंगे उनके बहुत सारे एतराजात के ऊपर, कि ये तो फजूल एक रस्म है और इसका माजल्ला इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, असल तो चीज गरीब की मदद करना है, वो आप पैसे के जरिए करें, अभी तो फिलहाल उसे किसी और चीज की जरूरत है, आप जबरदस्ती गोश्त पहुंचा रहे हैं उसको। तो एक सवाल ये उठता है कि ऐसा किया जा सकता है कि अगर कुर्बानी करने के बजाय हम पैसे किसी गरीब को दे दें, तो ये कुर्बानी का सवाब जो खसूसी तौर पर ईद कुर्बान की कुर्बानी का ही सवाब आपको नहीं दिलवाएगा पैसे देना। परवरदिगार इस पर जानवर ही को जिबा होते देखना पसंद करता, जिस तरीके से अकीका है उसमें रिवायात में भी यह बात आई है कि परवरदिगार खून बहते देखना पसंद करता, उसकी कुछ मसलहतें हैं, यानी हम ये नहीं कर सकते कि भाई जो अकीका है हम इसमें जो है पैसे दे देते हैं किसी भी गरीब को, उतनी उसका और बहुत सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल कर लेगा, नहीं, वो पैसे आम सदका बन जाएंगे, एक चैरिटी हो जाएगी, लेकिन अकीके के जो सवाब और फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से ईद कुर्बान पे अगर किसी ने उसके बजाय पैसे देकर सदके के तौर पर काम चलाना चाहा, उसे उसका सवाब मिल जाएगा, लेकिन ईद कुर्बान पर कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रहे। तो एक तो ये मौका था कि जब जानवरों की किल्लत हो जाती है उस वक्त फिर या जानवर अवेलेबल नहीं होते या बहुत कम होते हैं, तो उसमें शराकत भी करने की फिर इजाजत मिल जाती है। मसलन जानवर कम है, अफराद ज्यादा है, तो ठीक है फिर वो जानवरों में हिस्सा डाल सकते हैं, इसका आगे चलकर अभी बात आएगी। या दूसरी एक सूरत है कि कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाएं, कीमतें, तो फिर एक ही जानवर में कई अफराद भी हिस्से डाल सकते हैं, सबकी इस्तेताअत खत्म हो गई, इतनी ज्यादा कीमतें आसमानों से बातें कर रहे हैं और हम इसका सवाब भी लेना चाहते हैं, तो इसमें अभी वो उसकी तफसील आगे चलकर आएगी।